नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो पे अंडर 20 के एक बेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो भाई, कुछ लोगों को ये मजाक लग रहा हो, बट वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। यहाँ पर आपको जैक भाई पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कौन कौन से गेम आप यहाँ पर आप खेल सकते हो और कितने FPS आपको मिल जाएंगे। आपको कंपोनेंट्स के बारे में अधिक जानना है तो प्लीज जैक भाई के डिस्कॉर्ड सर्वर पर आप ज्वाइन करें। वहां से आप पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इनफैक्ट जैक भाई आपको हेल्प करेंगे गेमिंग पीसी बिल्ड करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। इस बार फिर राइजन बेस्ड पीसी बिल्ड होने वाला है, तो चलते हैं अपना फर्स्ट कंपोनेंट पे, जो कि अपना है प्रोसेसर AMD की तरफ से आने वाला राइजन 3 3200G, जो कि भाई 6 MB कैश मेमोरी के साथ में, और इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जा सकता है वो है 4 GHz तक। और वही सेम M4 सॉकेट के साथ में 4 कोर 4 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, तो अपना नॉर्मल A320M मदरबोर्ड्स वगैरह हो गया उस पर नॉर्मली वर्क कर सकता है। या तो आप अगर सेकंड जनरेशन का भी मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसको उसका मतलब आप बोल सकते हो BIOS अपग्रेड करके आप यूज़ कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। अगर आपका पुराना लैपटॉप आपके पास पुराना एक मदरबोर्ड होगा तो, और अगर नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ये देख सकते हो GigaByte की तरफ से आने वाला ये A320M मदरबोर्ड है, जो कि भाई आपको नेसेसरी मतलब जो भी कॉम्पोनेंट्स आपको उसमें जरूरी है वो मतलब सारा पोर्ट्स और सारा ड्राइव सब कुछ मिलेगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये 2 चैनल वाला रैम सपोर्ट करता है, मतलब डुअल चैनल रैम स्लॉट इसमें दिया हुआ है, जो कि नॉर्मली बोल सकते हो आप मतलब 16 GB तक की मैक्सिमम रैम वो स्लॉट मैक्सिमम आप डाल सकते हो उसमें। हाँ, प्रोसेसर का अपना रेट है भाई वो 9,000-9,500 रुपये के आसपास है, और अगर ऑफलाइन मार्केट से लेते हो तो 9,000 तक का आ जाएगा, नहीं तो अगर सेल वगैरह में आप देखते हो तो और डाउन हो सकता है इसका प्राइस। और उसी की जगह फिर आगे आप अगर देख सकते हो तो ये GigaByte मतलब जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड का भी रेट भाई मतलब 4,300 रुपये के आसपास में है, मतलब 4,300। और अगर आप वही ऑफर वगैरह में देखते हो तो थोड़ा डाउन ये रेट हो जाएगा, और नहीं तो फिर अब अगर ऑफलाइन में भी अवेलेबल है भाई तो ऑफलाइन में भी आप चेक कर सकते हो, ऑफलाइन में भी आपको और सस्ती मिल जाएगी। तो चलते हैं फिर अपने थर्ड कंपोनेंट पे, जो कि अपना रैम है। इस बार कॉर्सर की जगह पे HyperX का रैम यूज़ किया जा रहा है, तो अपने मतलब अपने बिल्ड के हिसाब से देखा जा रहा है भाई, क्योंकि अपना टाइट बजट है, 20K पे बिल्ड पूरा अपना कंप्लीट करना है, तो जिसके हिसाब से ये कॉर्सर की जगह पे इस बार HyperX का रैम यूज़ कर रहे हैं, जो कि भाई अपना 8 GB का सिंगल रैम स्टिक रहेगा और 3200 MHz भी चलेगी। DDR4 चैनल वाली है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। और इसका रेट आपका आ जाएगा भाई 4,000 रुपये के आसपास में आ जाएगा, वही सेम ऑफलाइन मार्केट में देखते हो तो थोड़ा कम भी हो सकता है, और नहीं तो फिर अगर ये सेल वगैरह के टाइम पे आप अगर देखते हो तो सेल के टाइम पे भी इसका रेट कम हो जाता है। तो चलते हैं हम अपने फोर्थ कंपोनेंट पे। फोर्थ भाई हो गया अपना कंपोनेंट है जो ये स्टोरेज डिवाइस में चलते हैं। स्टोरेज डिवाइस में इस बार भाई 2 स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा अलाउ करता है, थोड़ा सा आप अपने को खुद को पुश कर सकते हो, तो भाई 2 स्टोरेज डिवाइस डाल लो। एक फर्स्ट आप ये SSD डाल सकते हो क्रूशियल की तरफ से आने वाला, जो कि 240 क्रूशियल का एक डाल दो SSD, जो कि 240 GB का है, और उसका आपको रेट पड़ जाएगा 2600 रुपये के आसपास आ जाएगा। और एक HDD डाल लो, WD की डाल लो, वेस्टर्न डिजिटल वाला डाल लो, 500 GB के एक हार्ड ड्राइव डाल लो, तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है भाई, 2000 रुपये के आसपास वो आ जाएगा। तो आप नॉर्मली हार्ड स्टोरेज डिवाइस के लिए आप 4000 निकाल कर रखो, कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। अगर हाँ आपका फिक्स बजट नहीं है, 2-4 हज़ार रुपये आप मतलब थोड़ा पुश कर सकते हो अपने आपको, तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं भाई, अच्छा है। मतलब अगर वैसे ही प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है, आप अगर नहीं डाल सकते हो हार्ड डिस्क, तो पहले SSD डाल लो, फिर बाद में जब आपके पास कुछ पैसे होंगे तो फिर आप डाल लेना SSD। तो चलते हैं फिर अपने फिफ्थ कंपोनेंट अपना हो जाएगा, जो कि है पावर सप्लाई यूनिट। एनटेक की तरफ से वो पावर सप्लाई इस बार एनटेक का यूज़ कर रहे हैं, जो कि VP450P है, 450 वाट वाली PSU है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं भाई। अपना जो भी प्रोसेसर रैम वगैरह मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको परफेक्ट पूरी तरीके से पावर मिलेगी इसके तरफ से। और एनटेक भी सही कंपनी, कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई, सब बेहतरीन है यार। तो इसका हाँ रेट आपका मिल जाएगा 2500 रुपये, तो भाई सेम आप अगर ऑफलाइन मार्केट में चेक करते हो तो वही आपको कम पड़ेगी, और ये सेल वगैरह के टाइम पर भी देखते हो तो नॉर्मली रेट कम हो जाती है। तो फिर चलते हैं, बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, स्टार्टिंग में आपको आदित्य भाई सारा कुछ बता दिए होंगे कि आपको कैसे हमसे बात करना है, या तो हम दोनों से मतलब आपको कैसे मिलना है, तो आप उसके रिगार्डिंग आप हमारे डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी फिर आपको वहाँ पे मॉड्स हमारे आपको सारा मतलब सारी बातें प्रोवाइड कर देंगे। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट।